आज भारत को एक विकासशील देश के रूप में देखा जाता है, जिसकी गिनती दुनिया के गरीब देशों में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत पहली शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे संपन्न देश था, जिसकी घरेलू आय 33.8 मिलियन डॉलर के साथ दुनिया के सभी देशों से बहुत ज़्यादा थी। इसका सबसे बड़ा कारण था भारत का दूसरे देशों से व्यापार, जिसमें वस्तुओं के बदले भारतीय व्यापारी सोना लेते थे। यही कारण है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। यह बात रोमन लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार की है कि पहली शताब्दी में रोमन से सोना चांदी बाढ़ के रूप में भारत आया। इसी धन वैभव की वजह से भारत हमेशा विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ये इसकी चकाचौंध ही तो थी जो सिकंदर जैसे राजा को मकदूनिया से भारत तक खींच लाई और जिसने भारत को जीतना अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य बना लिया। हालांकि उसका यह प्रयास असफल रहा। 11वीं सदी के आरंभ में भारत पर विदेशी लुटेरों का आक्रमण शुरू हुआ। इन लुटेरों में सबसे पहला नाम है महमूद गजनी, जो 17 बार भारत आया और हर बार यहाँ से अपार धन दौलत लूट के अपने देश ले गया। इसकी सबसे बड़ी लूट गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर मानी जाती है, जिसमें उसने मंदिर का सारा खजाना लूट लिया और जिसकी कीमत उसकी बाकी लूटों की 80 गुना थी। इसके बाद मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग और बाबर जैसे आक्रमणकारियों ने भारत को लूटा। बाबर जो फरगाना से भारत को लूटने आया था, यहाँ आकर उसने भारत का धन वैभव देखा और यहीं मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। इसी मुग़ल काल में एक अफगानी लुटेरा जिसका नाम नादिर शाह था, भारत आया और बेशकीमती मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा चुरा कर अपने देश अफगानिस्तान ले गया। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताऊस भी कहते हैं, पूरी तरह से हीरों से जड़ा हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह इतना कीमती था कि इससे 2 ताजमहल बनवाए जा सकते थे। कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, जो 106 कैरेट डायमंड था और जिसकी कीमत दुनिया का कोई जौहरी नहीं लगा पाया था, ये नादिर शाह चुरा कर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और जो कोहिनूर हीरा आज इंग्लैंड के अधिकार में है। इसके बाद डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने भारत को लूटा। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था, जब यह वापस इंग्लैंड पहुंचा, तब वहां ब्रिटेन की संसद में इससे एक सवाल किया गया कि तुम भारत से क्या लूट के लाए हो, तो इसने गर्व से जवाब दिया कि मैं भारत से 900 समुद्री जहाज भरकर सोना लाया हूँ। 900 समुद्री जहाज केवल एक सामान्य अधिकारी इतना सोना ले गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितने गवर्नर जनरल आए भारत में। आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि भारत का कितना धन पानी के रूप में इंग्लैंड ले जाया गया। अगर हम ये कहें कि आज इंग्लैंड विकसित है तो वो भारत के पैसे से, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सब के बावजूद 1937 में जब पूरी दुनिया में एक सर्वे कराया गया कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, तो उसमें भी भारत के हैदराबाद के निज़ाम सर उस्मान अली ख़ान को सबसे अमीर पाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी लूट होने के बावजूद भी भारत पीछे नहीं रहा। गर्व करना चाहिए हमें अपने देश की संस्कृति पर, गर्व करना चाहिए हमें अपने देश की विरासत पर, गर्व करना चाहिए हमें अपने भारतीय होने पर। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और अगर आपको इस बारे में और जानकारी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप भारत के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।